गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पाठ तीन, तीन गुड़िया, पाठ चार हिस्सा, चौथा भाग। ठीक है, इससे पहले हम लोग कहानी पढ़े, शब्दार्थ लिखे, फिर इसका प्रश्नोत्तर भी हम लोग कर चुके हैं, और इस पाठ में हम लोग करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान से आप लोग जानते ही होंगे, उसमें व्याकरण भाग रहता है। तो देखते हैं भाषा ज्ञान में क्या क्या है, सबसे पहला क्या है। ठीक है, सबसे पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द इस हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, पहले पहले की कक्षा में क्या पढ़े हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाइएगा, इसके नाम से परिचित होते जाइएगा दूसरे नामों से, जैसे इसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द मतलब जिसका अर्थ, जिस शब्द का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो, दो शब्द का जो अर्थ है बिल्कुल उल्टा, जैसे बाहर, भीतर या अंदर। ठीक है, उसे विलोम शब्द कहेंगे हम लोग, शब्द से बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाला। विलोम शब्द को हम लोग उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं, या विपरीतार्थक शब्द। वो विपरीतार्थक शब्द आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन शब्द हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे अभी विलोम शब्द के नाम से ही जानेंगे। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द अच्छा होगा अगर आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ उल्टे अर्थ वाले शब्द, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है, अब तो पता चल ही आ रहा है बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। बाहर का क्या होगा, भीतर या अंदर, हम लोग यहाँ अंदर लिखेंगे। ठीक है, अंदर, आना जाना, अच्छी बुरी, अच्छी है ये बात बिल्कुल अच्छी है, तो ये बात बुरी है। ठीक है, अच्छी का बुरी, पास, पास और दूर, ये पास है वो दूर है। ठीक है, पास का दूर, गुण, अवगुण या दोष, हम लोग यहाँ दोष लिखते हैं, छोटा शब्द है अच्छा रहेगा आपके लिए, दोष, गुण, दोष। ठीक है, सुंदर, असुंदर, सुंदर का असुंदर, बस कुछ नहीं करना है, अ लगा देना, असुंदर। तो ये हो गया विलोम शब्द, कुछ शब्दों का विलोम शब्द। ठीक है, बाहर, अंदर, आना जाना, अच्छी बुरी, पास दूर, गुण दोष, सुंदर असुंदर। ठीक है, विलोम शब्द लिखने के बाद आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं नंबर टू में क्या है। भाषा ज्ञान के अंतर्गत नंबर टू, नंबर टू में हम लोग पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, इससे पहले था विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, और ये है समान अर्थ वाले शब्द, यानी जिसका अर्थ बिल्कुल एक हो। ठीक है, प्रयास, पहला शब्द क्या है, प्रयास, कोशिश, प्रयास करना, कोशिश करना। ठीक है, कोशिश, आइए लिखते जाते हैं हम लोग, कोशिश, कोशिश। हाथ, हाथ, हाथ को हम लोग और बहुत सारे नाम से भी जानते हैं ना, हस्त हो सकता है, कर हो सकता है, यहां हम लिखेंगे कर, कर का मतलब भी है हाथ। दूसरा है तोहफा, तोहफा का उपहार, वो तोहफा लेकर आया, उपहार लेकर आया, उपहार। हवा, हवा को हम लोग पवन भी कहते हैं, वायु कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, केवल एक लिखना है इसलिए हम लोग एक ही लिख रहे हैं, हवा, वायु। मुंह, मुंह का मुख, मुख लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, आसान है, मुख। आदमी, आदमी का
पुरुष ठीक है, आदमी पुरुष, प्रयास कोशिश, हाथ कर, तोहफा उपहार, हवा वायु, मुख मुख, आदमी पुरुष ठीक है। लिखने के बाद हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर भाषा ज्ञान के अंतर्गत देखते हैं क्या और है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग उसका देंगे ठीक है। आइए बच्चों, ये कुछ अक्षर है व्यंजन वर्ण जिसे हम लोग देखते हैं और उनमें क्या अंतर है ये भी हम लोग समझते हैं, फिर इनसे हम लोग शब्द बनाएंगे। तो भाषा ज्ञान के अंतर्गत तीसरे नंबर पे है शब्द बनाओ, हेडिंग लिख दीजिएगा आप लोग और इस तरह से लिखिएगा। देखिए पहले क्या है, ये आप पहचानते होंगे इसे ड, ठीक है, ट ठ ड ढ जो हम लोग पढ़ते हैं, ट वर्ग उसके अंत में आता है, ये ट अंत में नहीं, ट ठ ड ड ड से डमरू ठीक। ये भी आप जानते होंगे उसी वर्ड उसी ट वर्ग में ही आता है, ट ठ ड ढ ठीक है, ढ से ढक्कन। लेकिन अगर हम ये तो आप लोग इससे तो आप लोग परिचित हैं, लेकिन अगर इसके नीचे बिंदु रहेगा तो क्या होगा, इसका उच्चारण बदल जाएगा और इससे जो शब्द बनेंगे वो भी बदल जाएंगे। इसके अगर नीचे हम लोग बिंदु दे देंगे यहाँ और यहाँ तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अड़ ठीक है, इसको र नहीं कहेंगे अड़, ये, और अगर ढ के नीचे बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अड़ ठीक है, अड़ अड़ जैसे पढ़ना ठीक है, इससे जैसे घड़ा, घड़ा नहीं घड़ा ठीक। तो इस तरह से हम लोग शब्द बनाएंगे जिसमें इसका इनका प्रयोग हो द से, और आप लोग इसमें अंतर भी समझ जाएंगे। अगर इस पर ध्यान दीजिएगा शब्द बनाते समय, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ड है कि र है, ढ है कि अड़ है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ड से क्या होगा, डमरू, ठीक है, डाक, डाक मतलब पद जो आता है उसे डाक भी कहते हैं। अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक पे दिया गया, जो पुस्तक में दिया गया, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको लिखना है। इसे आप अपने मन से भी अपने अपने अपना नया शब्द अगर आपके मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, या आपने कभी सुना है पढ़ा है, उसे आप जरूर लिखिएगा, वो और भी अच्छा है। जैसे डमरू डाक ये ना लिख कर आप डाली भी लिख सकते हैं, डाकिया लिख सकते हैं, यह आप पर है। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो शब्द है उसी से शुरुआत हो, ये जो है अक्षर ये बीच में कहीं भी आ सकता है, उस शब्द में कहीं भी आना चाहिए, बस इतना ये ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसी से स्टार्टिंग हो ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा डमरू, तो ये ड कहीं भी आ सकता है ठीक है। दूसरा है ढ, ढ से ढक्कन, ढक्कन जो हम लोग ढकते हैं किसी चीज को उसे ढक्कन कहते हैं ठीक है। दूसरा वर्ड लिखे ढोल, ढोलक कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने मन से, ढोल। इसके बाद है र ठीक है, घड़ा, घड़ा ठीक। अब देखिए इस शब्द में क्या है, र जो है ये बीच में आया है, ऐसा नहीं कि इसी से हम लोग शुरुआत किए, जैसे इन दोनों में क्या किए इसके उसी से शुरुआत किया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये शब्द ये जो अक्षर है ये कहीं भी आना चाहिए शब्द में ठीक है। घड़ा, बड़ा या लड़का, आपके मन में जो भी शब्द आए आप लिख सकते हैं, लड़का जो भी अच्छा शब्द आए वो लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, सब अच्छा है ठीक है। अढ़ा ठीक है, ये तो बहुत हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, चढ़ना पढ़ना ये सारा चीज सब शब्द में ये रहता है, अढ़ा चढ़ना। पढ़ना ठीक है, बढ़ना
ये शब्द हो गया, आपको दो ही लिखना है, लेकिन अपने मन से आप जो लिखना चाहते हैं वही लिखिए। दो दो शब्द हम लोग को इससे लिखना है। तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? ड से डमरू, डाक, डाकिया, कुछ भी, ठीक है। ढ, ढ से ढक्कन, ढोल, ढोलर। इसके बाद है अड़, घड़ा, बड़ा, लड़का, घड़ी। अढ़, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ना। तो ये हो गया ड, ढ, अड़, और अढ़ से सब, ठीक है। इसका उच्चारण भी आप लोग देख चुके, आप लोग इसी तरह से अपने अपने कॉपी में लिखिएगा इन्हें, और लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। भाषा ज्ञान में इससे आगे भी है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना ही तक करेंगे। तीन चीजें किए हैं आज हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाने से फिर आप लोगों को बहुत लिखना पड़ जाएगा। क्या क्या किए हम लोग? सबसे पहले किए विलोम शब्द, फिर समान अर्थ वाले शब्द, और इसके बाद शब्द बनाओ, इनसे शब्द बनाना। तो ये आप लोगों को दिया जाएगा इस बार के असाइनमेंट में। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है आप वीडियो में, आप लोग उसी तरह से कीजिएगा इसे, ठीक है। हर एक चीज़ को हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देने के बाद एक एक लाइन छोड़ छोड़ के अच्छी अच्छी तरह से साफ साफ लिखिएगा। और जहाँ आप लोगों को संज्ञा और ये हम लोग बताए थे, वचन बतलाए थे, लिंग बतलाए थे, जो भी बतलाया जाता है, और जिनका परिभाषा आप लोगों को वीडियो में बतलाया जाता है, तो आप लोग भी उसे लिख लिया कीजिए कॉपी में, उसी हिसाब से लिखिए, उसी तरह से, ठीक है। असाइनमेंट में तो केवल हम लोग प्रश्न उत्तर लिख देते हैं, जो भी प्रश्न रहा वो प्रश्न और उत्तर वो लिख देते हैं, लेकिन कुछ किस तरह से लिखना है इसे जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही।